Hello guys, welcome to my channel Traveler KP. Here I'm back with another fish video about South Goa tour. So let's begin. इस वीडियो में हम लोग साउथ गोवा के सारे टूरिस्ट प्लेसेस कवर करने वाले हैं और जानेंगे साउथ गोवा का टूर कहां से और कैसे बुक करना है, वैसे ही जानेंगे साउथ गोवा टूर का टोटल बजट कॉस्ट। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मीरामार बीच और वहां पे एक्सप्लोर करेंगे डॉल्फिन्स राइड, ऑगस्टिन टावर और उसकी हिस्ट्री, ओल्ड गोवा चर्च एंड म्यूजियम, बालाजी टेम्पल और मंगेशी टेम्पल। सो लेट्स बिगिन। साउथ गोवा टूर का प्लान कुछ इस तरह से होता है। आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वैसे ही ये सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साउथ गोवा टूर का पर पर्सन टिकट कॉस्ट है 350 टू 500 के बीच में। वीकेंड्स लॉन्ग हॉलीडेज में ये कॉस्ट हायर साइड चला जाता है, यानी कि 500 पर पर्सन। और वैसे ही आप यहाँ पे बार्गिन कर सकते हो, तो आप मिनिमम 350 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से भी बुक कर सकते हो। हमने ये टूर बुक किया था सफर ट्रैवल्स के थ्रू, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे आप जरूर रेफर कीजिए। और हाँ, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट ओवरऑल हमारा टूर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। बस भी क्लीन थी और टूर गाइड भी हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहा था। अब हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं मीरामार बीच। यहाँ पे डॉल्फिन्स राइड का टिकट है 350 रुपीज पर पर्सन और इसका ड्यूरेशन है 1 आवर। ये 1 आवर के बोट राइड में आपको डॉल्फिन और उसके साथ ही 4 टूरिस्ट प्लेसेस दिखाए जाते हैं। तो हमने टिकट ले लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं बोट राइड की तरफ। मीरामार बीच पे मोस्टली लोग डॉल्फिन सफारी के लिए आते हैं। अब चालू हो चुकी है हमारी डॉल्फिन राइड। ये हमें मांडोवी रिवर से होते हुए डीप सी में लेके जाते हैं और इस राइड के दौरान हम लोग देखने वाले हैं अगवाड़ा फोर्ट, गोवा सेंट्रल जेल, जिमी गजदार बंगलो, लाइट हाउस एंड ऑफकोर्स डॉल्फिन्स भी। मीरामार बीच के बारे में डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे, उसे भी आप जरूर देखिएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब चलते हैं एक्सप्लोर करने के लिए सेंट ऑगस्टिन चर्च और जानते हैं इस चर्च की हिस्ट्री। सेंट ऑगस्टिन चर्च का निर्माण 1602 में किया गया था। इस चर्च को इबेरियन दुनिया के 3 महान ऑगस्टियन चर्चों में से एक माना जाता था। 1835 में गोवा की पुर्तगाली शासन के दौरान इस चर्च को ऐसे ही छोड़ा गया। पुर्तगीज शासकों ने गोवा के कई सारे टेम्पल्स और चर्च का नुकसान किया, वैसे ही ऑगस्टिन चर्च को भी बंद कर दिया गया था। धीरे धीरे इस चर्च का ढांचा कमजोर होता गया और ये चर्च की दीवारी गिरती गई। 1871 में चर्च की घंटी को पंजिम के इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च में लाया गया था, जहाँ पे वो आपको आज भी देखने को मिलती है। 1931 में चर्च का सामने वाला हिस्सा और टावर गिर गया और 1838 तक इस चर्च का काफी सारा ढांचा गिर गया था। अभी आपको सिर्फ आधा ही टावर देखने को मिलेगा। ऑगस्टिन टावर के बारे में डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे है, उसे भी आप जरूर देखिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट है ओल्ड गोवा चर्च एंड म्यूजियम। चलिए जानते हैं ओल्ड गोवा चर्च के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फ्रॉम अवर टूर गाइड। यहाँ पे जो ओरिजिनल डेड बॉडी देखी है द सेंट फ्रांसिस जेवियर की 490 इयर्स पास विदाउट एनी केमिकल एनी मेडिसिन वैसी की वैसी बॉडी यहाँ पे रखी है, जस्ट लाइक अ मिरेकल। लेकिन ये बॉडी अभी आप लोगों को कच्ची का पेटी का रखा था, लेकिन आपको देखने को नहीं मिलता था, फिर भी अभी बंद है, वो भी अभी को नहीं मिलेगा। फिर भी अपोजिट साइड पे जो चर्च है जहाँ पे बॉडी शिफ्ट करते है, वहां पे आप लोग देख के आ सकते हैं। वहां पे 2 चर्च है, म्यूजियम भी है, अगर आपको टाइम मिला तो वहां पे भी जाके आ सकते हैं, लेकिन टाइम पे आना। तो अब हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम का टिकट है 10 रुपीज पर पर्सन और यहाँ पे कई सारी पुरानी चीजें रखी गई है। ये म्यूजियम काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप इसे जरूर देखिए। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अंदर के कुछ भी वीडियोस में नहीं ले पाया। म्यूजियम के अपोजिट साइड है ओल्ड गोवा चर्च, बट जब हम गए थे तब यहाँ पे रिस्टोरेशन का काम चल रहा था, तो उसकी वजह से हम लोग चर्च को अंदर से नहीं देख पाए। इसी चर्च में 500 साल पुरानी डेड बॉडी रखी गई है, जो है सेंट फ्रांसिस जेवियर जी की। ओल्ड गोवा चर्च और आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर। ये मंदिर गोवा के पोंडा तालुका में कुंकुलिम गांव में स्थित है।
इस मंदिर को परम पावन जगत गुरु शंकराचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ पे आपको भगवान वेंकटेश्वर, भगवान गणेश और देवी पार्वती माँ के अलग अलग मंदिर देखने को मिलेंगे। यहाँ की बालाजी की मूर्ति बहुत ही आकर्षक और प्रसन्न है, और वैसे ही आपको यहाँ पे तिरुपति बालाजी का बहुत ही अच्छे से और शांति से दर्शन मिल जाता है। अब हम जा रहे हैं श्री मंगेशी टेंपल। मंगेशी टेंपल गोवा के पोंडा तालुका में मंगेशी गांव में स्थित है। मंगेशी टेंपल गोवा के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। हर साल बड़ी संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट दर्शन के लिए आते हैं। श्री मंगेशी मंदिर 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस मंदिर को लेकर एक कथा प्रचलित है कि एक बार शिवजी यहाँ पे बाघ के रूप में देवी पार्वती के सामने प्रकट हुए। देवी पार्वती उन्हें देखकर घबरा गई और उनके मुंह से रक्षम गिरीशः ऐसे शब्द निकले। इसका मतलब है, हे गिरिराज, मेरी रक्षा करो। तभी से शिवजी मंगिरीश के नाम से मंगेशी मंदिर में पूजने लगे। वास्तुकला की विशिष्ट गोवन हिंदू शैली में निर्मित श्री मंगेशी मंदिर अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। इस मंदिर में आपको 7 मंजिला दीप स्तंभ देखने को मिलेगा। ये अष्टकोणी आकार का दीप स्तंभ एक सुंदर जलाशय से घिरा हुआ है। इसे मंदिर का सबसे पुराना और सबसे आकर्षक हिस्सा माना जाता है। जब इसमें दिए जलाए जाते हैं तब ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। श्री मंगेशी मंदिर के बारे में डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर है, उसे भी आप जरूर देखिए। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हमारे सारे टूरिस्ट पॉइंट्स कवर करके हो गए हैं। शाम को ये आपको सनसेट क्रूज राइड के लिए लेके जाते हैं। ये राइड पंजिम के मांडोवी रिवर में होती है। इसका कॉस्ट है 500 रुपीज पर पर्सन, और ये कॉस्ट आपकी टूर कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं होता है। इसको आपको अलग से पे करना होता है। अगर आपको ये राइड नहीं करनी है तो आप ये राइड स्किप करके पंजिम से डायरेक्टली आपके होटल तक जा सकते हो, बट एट योर ओन एक्सपेंस। टूर की बस आपको सनसेट क्रूज के बाद ही आपके होटल तक ड्रॉप कर देती है। हमने ये राइड स्किप की थी और तब तक हम लोगों ने पंजिम सिटी कुछ टाइम के लिए एक्सप्लोर की, और उसके बाद हमें हमारे टूर की बस ने हमारे होटल पे ड्रॉप कर दिया था। तो ये था ऑल अबाउट साउथ गोवा टूर। आई होप आपको मेरा वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू ट्रैवलर KP। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून विद ट्रैवलर KP। थैंक यू।